ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई। ऑलराइट, सो रिजल्टेंट वेक्टर यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग, नाउ उसको खत्म कर देते डेफिनेशन को, ऐसा लिखो, फिर से लिखो, अ सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज, प्लीज गो ऑन राइटिंग, अ सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज same as the combined effect of, is same as the combined effect of two or more vectors, combined effect of two or more vectors of the same type, of the same type is called the resultant vector, is called the result, same type yani is the force, so force to energy, if the velocity to velocity, like that, all right, is called the resultant vector. Iske baad main likho ek agla question, what do you mean by composition of vectors, Understand all of you? What do you mean by composition of? अब है ना, मेरे पास एक बार भार्गव आया, भार्गव ने आके बोला कि सर आपने ये सब तो बता दिया कि इधर बहुत सारे फोर्सेस का एक सिंगल फोर्स लगा हो, लेकिन सर कैसे फाइंड आउट करने का, ये सब वेक्टर को हटा के इसका वैल्यू, इसका एंगल, कितना फोर्स लगा है, किस डायरेक्शन में लगा है, सर उसका पता कैसे चलेगा? सर मुझे एक बात बताओ, भार्गव आपका क्वेश्चन सही था कि गलत था? सर सही था, सही था, बिल्कुल। वो जानना चाहते हैं कि सर इतने वेक्टर को आप बोलते हैं सिंगल वेक्टर, लेकिन कैसे निकालने का? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट वेक्टर इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। एकदम सिंपल लाइन जो हम लोग प्रोसेस करेंगे, मेथड अडॉप्ट करेंगे टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर। कम से कम दो तो होने चाहिए ना, एक अकेला होगा तो सिंगल उसी को लगाओ, तो टू और मोर वेक्टर। तो राइट डाउन, एक मिनट, हर चीज को मैं पूछना चाहूंगा, पूछ के विधि, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स? विधि बोलो विधि भट्ट खाली स्क्रीन पे रिपीट द वॉइस वाज ब्रेकिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग the resultant of two or more vectors is called composition of vectors. Bol. The process of finding the resultant of two or more vectors is known as composition of vectors. Write down. The process of finding the resultant of two or more vectors of the same type. Same type क्यों? Force, velocity, सब अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सब same होने चाहिए. Two or more vectors of the same type is called composition of vectors. Alright? इसके में एक नोट लिखो, ये ना सम ऑफ द प्रोसेसेस आर, ऐसा लिखो, प्रोसेसेस आर नंबर वन ट्रायंगल लॉ, नंबर टू पैरेललोग्राम लॉ, एंड नंबर थ्री polygon law for two vectors,
for two vectors, for any number of vectors, for any number of vectors. All right. इसके बाद एक अगला क्वेश्चन लिखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज मेंट बाय द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, हाँ वेक्टर्स नहीं, अबे ना, अब मैं देखो उल्टी बात बताता हूँ, who will tell me this, components of vector, एक बार उसने क्या सवाल किया मालूम है, मार्केट फिर से आया मेरे पास, बोले सर आपने वो बता दिया, चलो कि आपको कंपोजिशन ऑफ वेक्टर आइदर ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो और पॉलीगॉन लगा के आप ज्यादा दो या ज्यादा से वेक्टर होंगे तो उसको एक सिंगल वेक्टर में तब्दील कर सकते हो, सर वी अंडरस्टूड, लेकिन सर इसका उल्टा, उल्टा करना हो तो एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट डू यू, व्हाट इज उल्टा ऑफ दिस, रोशनी उष्णा उल्टा ऑफ दिस, एनीवन, कुछ रॉन्ग बोलोगे तो भी चलेगा, उल्टा ऑफ अ सिंगल, इतने सारे वेक्टर्स को एक सिंगल वेक्टर में बनाना, इसका उल्टा क्या, इसका उल्टा क्या, कन्वर्टिंग अ सिंगल, कन्वर्टिंग अ सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दैट इज द बेस्ट आंसर, लेट मी टेल यू उष्णा, बेस्ट आंसर, ये जो था ना सिंगल वेक्टर, वेरी गुड वेरी गुड, सिंगल वेक्टर था ना, वही सिंगल वेक्टर थक गया, बोले यार बहुत हो गया, मैं थक गया, लेकिन छोटे छोटे वेक्टर बहुत सारे थे वहां पे, वो बोले सर हम मिलके प्रोड्यूस कर दें सेम इफेक्ट, तो ये सबको, इसको सिंगल को हटाना और इतने सबको लगाना सो दैट इट्स सेम इफेक्ट, ये सब कहलाते हैं कंपोनेंट, ये सब क्या कहलाते हैं कंपोनेंट, टू और मोर वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप, two or more vectors of the same type which produce the same effect as the effect produced by that single vector are called components of that single vector, are called components. A very good answer, Ushna, I'm really appreciating you. Iska answer likho, answer likho, two or more vectors of the same type, two or more vectors of the same type which together produce the same effect, which together produce the same effect as that of a single vector, as that of a single vector are called sir, produce the same effect. Same as that of a single vector. As that of a single vector. Are called components of that single vector. Are called components of that single vector. फिर अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, resolution of vector, what do you understand by resolution of vector? अबे ना, इसका आंसर है, मैं आप लोगों के पास से चाहूंगा, मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ,
resultant or composition. Resultant vector or composition vector में क्या था? Resultant vector क्या था? Single vector which produces the same effect as the effect produced by two or more vectors of the same type. Composition was process of finding the resultant is called composition of vectors. Components of vector क्या है? What is components of vector? Two or more vectors which produce the same effect as that of a single vector are called component. So resolution क्या होगा? Anyone who can say on his own, wrong to wrong. जैसे प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट इज कॉल्ड कंपोजिशन, तो इसमें रिजोल्यूशन क्या होगा? एनीवन? हुसैन दागीना, माज, कुछ भी बोलो अपने मन से, कुछ भी बोलो, व्हाट एवर यू फील. सर, स्प्लिटिंग ऑफ अ गिवन वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स. But what is resolution? जैसे ये क्या था? Process of finding the resultant is called composition. तो यहाँ पे क्या होगा? मैंने hint दे दी already. Process of finding the components of vector. That is right. That is right, Roshni. The process of finding the components of vector is called resolution of vectors. Write down. ऐसा लिखो. The process of finding the components of the process of finding the components of a single vector is called resolution of vector. It's called resolution of vector. फिर है ना, एक्चुअली इसके बाद में लिख दो, विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल लेटर, ऐसा लिख दो, सो दैट यू विल रिमाइंड मी कि सर रिजोल्यूशन आपको कराना बाकी है, क्योंकि अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो. ऐसा लिखो, विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल लेटर. कैसे, क्या है रिजोल्यूशन? ये मैथ्स में भी बहुत काम का है, फिजिक्स में भी बहुत काम का है. ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. स्केलर्स एंड वेक्टर्स, दोज हु विल गो फॉर इंजीनियरिंग, तो वहां पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल वेक्टर्स चलता रहेगा. तो यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली, और बिंदास क्वेश्चन पूछो. जो समझ में नहीं आया क्वेश्चन सीधा दाग दो यहाँ पे, और मैं हेल्प करूंगा अपनी तरफ से. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सेटिस्फाई यू. ऑलराइट, अब लिखो. अच्छा, कोई बताया ट्रायंगल लॉ क्या था? हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया था ट्रायंगल लॉ को? विल टेल मी व्हाट वाज ट्रायंगल लॉ. Anybody? Triangle log kya kaam kar raha tha? Humne likha tha na abhi thodi der pehle. Who can say what is triangle log? Murtuja, triangle log kya tha? Kiske under title mein likha tha triangle log? Humne title likhi thi, usme 1, 2, 3 likha tha na? 1 was triangle log. Kyun likha tha wo? Anyone? Sir, two vectors ko प्रोसेस फाइंड करने का. किसका क्या फाइंड आउट करने का? टू वेक्टर को फाइंड आउट करने का. एक बार वापस गो थ्रू करो, मैंने अभी लिखा है. तो ट्रायंगल लॉ के बारे में मुझे बताओगे कि सर ट्रायंगल लॉ का काम ये है. तुम लोग लॉ क्यों पढ़ रहे हो? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स. यू प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कंपोजिशन ऑफ वेक्टर फॉर प्रोसेस मींस व्हाट वी द रिजल्टेंट द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर होंगे ना, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का मेथड है ट्रायंगल लॉ. आपको दो वेक्टर दे दिए और बोले भाई ये दो को हटाओ, सिंगल को लगाओ, तो हमको उस प्रोसेस को ट्रायंगल लॉ हेल्प करता है. मतलब ट्रायंगल लॉ इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स. रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स. कोनन, इतना रिपीट कर, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? Triangle law is the process of finding two vectors. Resultant of two resultant, vectors. हाँ, resultant of two vectors. Two vectors. अब मैं आपको बताता हूँ क्या है triangle law. Suppose आपको दो vectors दिए हुए हैं.
let us say one vector is P bar, which is represented by, let us say, OP. And other vector is Q bar, which is represented by, let us say, AOA, let us say, OA. And this is, let us say, AB. All right, in two vector, is ye length batati hai magnitude aur p bar is the direction, arrow indicates direction. Ye do vector hai, isi body pe act kar rahe hai, as aisan aur aisan, aise. Ye p aur ye q. Humko ek single vector mein tabdil karna hai, in dono ko hata ke single vector lagana hai. Triangle law helps in finding this. Triangle law helps in finding this. What triangle law states, you know, mera statement alag hai from the given in book. Bahut easy statement hai. What do you do? First of all, draw any vector. First, कोई भी एक vector draw कर दो, either p bar or q bar. All right. This is the beginning of the first vector. This is the end of the first vector. ये क्या beginning? और इसको बोलते हैं end. From the end of the first vector, draw the second vector. मतलब ये क्या है OA और ये क्या है AB. Then the line joining the beginning of the first vector to the of the second vector gives the resultant vector in magnitude and direction. Here resultant. मतलब क्या है हमें O A bar plus A B bar. This is first vector from the end of the first vector second vector. Then the line joining the beginning of the first to the end of the second. This is what is the resultant. That is P bar plus Q bar. Equal to R. मतलब ये basically graphical method है. Suppose ये 50 Newton था, तो 5 centimeter बनाओ. ये suppose 60 centimeter था, at an angle of जैसे 45 degrees. तो 6 centimeter बनाओ, at an angle of 45 degrees. Join this to this. And suppose ये answer आता है 10. तो इसका मतलब resultant is 100 Newton. फिर ये angle measure करो. Angle is 30 degrees. That means resultant of 100 Newton is to be applied at 30 degrees. It is going to produce the same effect. ये दो actor है. बॉडी के ऊपर या ये अकेला एक्ट करे इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट. अब सुनो इसका लॉ का स्टेटमेंट सुनो. इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप, ये दोनों वेक्टर सेम टाइप के होने चाहिए, आइदर फोर्स और वेलोसिटी और व्हाटएवर, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सच दैट द सेकेंड वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. Then the line joining the beginning of the first vector to the end of the second vector gives the resultant vector in magnitude and direction. कितने वेक्टर के बारे में लिखना है इसमें ट्रायंगल लॉ में, कितने होने चाहिए वेक्टर ट्रायंगल लॉ के लिए? टू वेक्टर्स, दे शुड बी ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप, सेम टाइप, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सच दैट second vector is drawn from the end of the first vector. The first vector. The beginning of the first vector to the end of the second vector gives the resultant vector in magnitude and direction. Gives the resultant vector in magnitude and direction. Okay, now. एक बार G2 आया मेरे पास. आपके बार इसका नाम ओए दे दिया क्यू बार. फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर आई हैव टू ड्रॉ द सेकेंड वेक्टर क्यू बार. From the end, we draw the second vector. Let us say this is P bar. And let us say this is AB. Then the line joining the beginning of the first vector to the end of the second vector gives the resultant vector in magnitude and direction. मतलब अभी ये measure करोगे या ये measure करोगे exactly same answer आएगा. ये angle है जो theta होगा वही angle यहाँ पे theta होगा. This angle is suppose theta तो ये angle भी क्या आएगा? ये alpha लेता हूँ. ये अल्फा तो ये भी क्या आएगा अल्फा. मतलब इन रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर यू कैन टेक एज द फर्स्ट वेक्टर, ये भी फर्स्ट वेक्टर ले सकते हो, ये भी सेकंड वेक्टर ले सकते हो. सपोज कोई बोलेगा नहीं सर इसका नाम ए बी लो, तो ठीक है इसको ए बी ले लेते हैं. ए बी इसका नाम थोड़ा हमको बी ए लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा ओ ए. तो ए बी बार
plus b a bar equal to a bar. That is q bar plus b bar equal to r. You can say exactly same answer aega, irrespective of whatever you want to take first vector. लेकिन ये लिखने की जरूरत ये जा रहे हैं, मैं छोड़ देते हैं अभी, अभी खाली इतना लिखो, लिखना चालू करो स्टेटमेंट. इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप, डायग्राम ड्रॉ करने को बोलूंगा. इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप are represented in magnitude and direction, such that the second vector is drawn, from the end of the first vector. Second vector is drawn from the end of the first vector. Then the line joining the beginning of the first vector, and the end of the second vector, E and the end. And the end of the second vector gives the resultant vector, in magnitude and direction, और फिर क्या करो, ये डायग्राम ड्रॉ करो. इधर गिवन वेक्टर्स, ये ना खाली इतना एक रिक्वेस्ट है, क्या करने का मतलब है, ये लेंथ जितनी है ना उतनी यहाँ पे दिखनी चाहिए, ये जो जितने जितने एंगल पे उतनी लंबाई यहाँ दिखनी चाहिए, मतलब दिस एंड दिस शुड बी इक्वल इन लेंथ, दिस एंड दिस शुड बी इक्वल इन लेंथ एज वेल एज एंगल. ऐसा जरा एडजस्ट करो, फिर अपने आप ये तो आ ही जाएगा. गिवन वेक्टर्स, और फिर इधर देखो, ट्रायंगल लॉ, पहले ये ड्रॉ करना है फिर ये ड्रॉ करना है, पहले ये उसके बाद ये ऊपर से ही डरे थोड़ा नीचे. हाँ, ड्रॉ कर लिया बेटा, ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना, ये लंबाई सेम और एंगल भी सेम, ये कुछ भी आने दो, ये सबका सेम आएगा. फिर बट आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय उष्णा. Usna, you're given fantastic answers. Continue like this. Thank you, sir. और नए बच्चों को भी सीखना है ऐसे ही, कुछ ना कुछ बोलते रहना है. बोलने वाले बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, let it be wrong. और क्वेश्चन पूछने वाले अच्छे लगते हैं मेरे को. ओके, कॉपी कर लिया इतना कि बाकी है. रोशनी, कॉपी हो गया? रोशनी, yes sir. March Sheikh, yes sir. Okay, abhi hai na, aisa likho aage question, aisa likho,
Explain how two vectors are subtracted using triangle law. How two vectors are subtracted using triangle law. How two vectors are subtracted using triangle law. बहुत interesting है देखो. P bar to find P bar minus Q bar means to find P bar plus. Any doubt in this? Means to find p bar plus minus q bar. अच्छा कोई मुझे बताए ना q bar ऐसा तो minus q bar कैसा? This is p bar. I don't know about minus q bar. Anyone can tell me q bar is this? What is minus q bar? Anyone? So opposite sides of so error opposite side. Lovely answer. This is minus q bar. लंबाई उतनी बनानी. Now apply triangle law. This is our first vector. This is our second vector. This is our first vector. This is our second vector. So what we need to draw any one vector first. कौन सा draw करूँ पहले? Suppose p bar draw करता हूँ. From the end of the first vector draw the second vector. ये भी second vector ऊपर draw करना है कि नीचे draw करना है? From the end of the first नीचे जाऊँ या ऊपर जाऊँ? Minus q bar के लिए. नीचे. नीचे that's right. Suppose ये आ गया this is minus q bar. Then the line joining the beginning of the first vector to the end of the second vector gives the resultant vector. This is what is r bar. Therefore, by using triangle law, p bar plus the first vector from the end of the first second vector and that in particular r bar. Therefore, this is what is the resultant vector. This is what is the resultant vector. मतलब subtract किया आपके बार p bar plus q bar नहीं p bar minus q bar किया but add ही किया add minus q bar का जो direction था उसको reverse कर दो. आपके बार length is this much angle is this much नीचे apply कर क्या पता समझ में आया कि नहीं आया आया क्या समझ में यस सर अबे ना आप ऐसा करो पेज नंबर शायद अलग होगा क्वेश्चन 18 प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव फ्रॉम आवर नोट्स प्रूव दैट लिखना है तो लिख दो चलो लिखो क्वेश्चन लिखो प्रूव दैट वेक्टर ये क्वेश्चन का आंसर क्या है किसका ये बस डायग्राम ये रहा ये ड्राइंग डायग्राम बता तो समझ जाएगा वो और जो अपने ओन वर्ड्स में लिखना है लिख डालो राइटिंग एक्सप्लेनेशन कोई पढ़ता नहीं है आप ये डायग्राम बनाओ अच्छी तरह से और फिर थोड़ा लिख डालो गिवन वेक्टर्स p bar एंड q bar टू फाइंड माइनस q bar वी रिवर्स द डायरेक्शन अप्लाई ट्रायंगल लॉ यू वांट मी टू डिक्टेट यू सो दैट यू कैन राइट व्हाटएवर यू से आई विल डू बोलो बच्चों कोई पढ़ता नहीं एग्जामिनेशन में आपका ये सब प्रेजेंटेशन देखते हैं और आपने जो लिखा है तो ये मत भी तो ऐसा लिख डालो टू फाइंड माइनस क्यू बार वी रिवर्स द एरो ऑफ क्यू बार
we reverse the arrow of Q bar. Now we apply triangle law. Now we apply triangle law on P bar as the first vector. P bar as the first vector. P bar br नहीं लिखना है, P is not. P ऊपर ऐसा बनाए तो इसको बोलते हैं P bar. Br मत लिख डालना. P bar is the first vector and minus Q bar is the second vector. And minus Q bar is the second vector. This is figure one. Or is it figure two? So, line joining beginning of P bar. Line joining beginning of P bar. And the end of. End of क्या बोल, anybody can tell me end of what? Anybody what you will write? And the end of line joining the beginning minus of Q bar. That is right. And the end of minus Q bar gives the resultant vector R bar, which is shown in figure two. Which is shown in figure two. Which is shown in figure two. Or फिर एक question लिखो, अगला question. Prove that vector addition obeys. Prove that vector addition obeys. Commutative law. Vector addition obeys commutative law. Vector addition obeys commutative law. Anybody knows what is commutative law? Anybody knows any commutative law? एग्जाम्पल देके बोलना है खाली, कुछ लॉ बोलने की जरूरत नहीं है. सर इफ दिस इक्वल प्लस दिस इक्वल टू तो ऐसा हो जाएगा तो इट इज वी से दैट इट सैटिस्फाइज कम्यूटेटिव लॉ. चलो मैं बताता हूँ. यू नो इफ 2+3 इज इक्वल टू 3+2, अगर ये इसको ओबे करता है इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ. इफ 2+3 इज नॉट इक्वल टू 3+2 देन इसको बोलते हैं डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ. तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि भाई जो वेक्टर एडिशन है इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ. मींस टू प्रूव दैट पी बार प्लस क्यू बार इज सेम एज क्यू बार प्लस पी बार इज सेम एज क्यू बार प्लस पी बार. ये हमको प्रूव करके दुनिया को बताना है. ये अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ. और हमारा वेक्टर एडिशन ओबेज लॉ. तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस. सपोज दिस इज फर्स्ट वेक्टर p बार, दिस इज सेकंड वेक्टर q बार. टेल मी हाउ टू फाइंड p बार प्लस q बार. इफ p बार इज टेकन एज फर्स्ट वेक्टर एंड Q bar is taken as second vector. Is taken as second vector. Then we can say this R bar equal to P bar plus Q bar. This is suppose O A. अगर लिखना है ये लिख सकते हैं ओ ए बार प्लस ए बी बार इक्वल टू क्या लिखूं बताओ. क्या लिखूं ओ ए बार प्लस ओ बी बार इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखूं. एनीवन बी ओ
देखो बीओ में एरो उल्टा है, एरो उधर है ना, तो क्या लिखतेगा? ओबी ओबी इज अलग एंड बीओ इज अलग. प्लीज नॉट, बीओ में अगर एरो यहाँ आता ना ओ के तरफ तो हम लोग बीओ बार बोलते थे. वेरी गुड. कभी कभी आंसर देने पे है ना आपको पता चलता है व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग. इक्वेशन वन एंड नाउ नंबर टू.